आपके घर में हो लक्ष्मी का प्रवेश, मैं हूं देवेश। दोस्तों, कल ही हमने चर्चा करी थी, एक तरफ भारत रूस से डिस्काउंट पर सस्ता कच्चा तेल खरीद रहा है और बांग्लादेश जानकर भी यह नहीं कर पा रहा है। कल बांग्लादेश का नंबर था, आज पाकिस्तान का नंबर है। पाकिस्तान के वित्त मंत्री ने अमेरिकन मीडिया को दिया है इंटरव्यू। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि हम तो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन रूस देने के लिए रेडी नहीं है। यहाँ तक कि इमरान खान की जो पहले की सरकार थी, उसने तो लेटर लिख दिया था रूस को कि आप हमें डिस्काउंट पर सस्ता कच्चा तेल दे दो, लेकिन रूसी सरकार ने पाकिस्तानी लेटर का जवाब देना तक मुनासिब नहीं समझा। आज तक पाकिस्तानी सरकार कर रही है इंतजार रूसी जवाब का। एक तरफ रूस पाकिस्तान को डिस्काउंट पर सस्ता कच्चा तेल बेचने के लिए तैयार नहीं है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तानी बैंकों की हैसियत नहीं है कि वह रूस को पेमेंट कर पाए। यह हमारा कहना नहीं है, स्वयं पाकिस्तान के वित्त मंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तानी बैंक रूस के लिए लेटर ऑफ क्रेडिट जारी नहीं कर सकते क्योंकि उनको लगता है डर अमेरिकन आर्थिक प्रतिबंधों का। क्योंकि रूस और पाकिस्तान के केस में मियां बीवी राजी नहीं है तो शादी भी कैसे हो पाएगी, इसलिए केवल पाकिस्तान उम्मीद कर सकता है, लेकिन रूस से उसे सस्ता कच्चा तेल नहीं मिल पा रहा है। जहां तक भारत और रूस का सवाल है, तो हमारे सोवियत यूनियन के जमाने से अच्छे संबंध हैं। हमारे पास कई तरीके हैं जिनके माध्यम से हम रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद सकते हैं और पेमेंट अदा कर सकते हैं, इसलिए पाकिस्तान चाह कर भी भारत की बराबरी नहीं कर पा रहा है। रूसी सस्ते कच्चे तेल के केस में पाकिस्तान के लिए अंगूर खट्टे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए हैं टर्की, लेकिन टर्की पहुंचकर भी वह भारत के नाम की माला जप रहे हैं। उनका कहना है कि यदि पाकिस्तान और भारत के बीच में अच्छे व्यापारिक संबंध हो जाएंगे तो इसका पाकिस्तान को बहुत अधिक लाभ होगा। बार बार डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ऐसा संदेश देना चाह रहे हैं कि वह भारत के साथ व्यापारिक संबंध फिर से पुनर्जीवित करने के लिए तैयार हैं। लेकिन दोस्तों, इतिहास गवाह है, आपको अच्छे से याद है, हमने जब जब पाकिस्तान को गले लगाया, पाकिस्तान ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। आज का नहीं, 1500 साल पुराना इन लोगों का इतिहास है, यह धोखा देने में नंबर एक है। इसलिए जहां तक हमारा मत है, पाकिस्तान कितनी भी विनती करता रहे, भारत ने उसके साथ व्यापारिक संबंध फिर से स्थापित नहीं करने चाहिए। यह तो हो गई दोस्तों पाकिस्तान की बात, जिसे रूस का सस्ता कच्चा तेल नहीं मिल पा रहा है। दूसरी तरफ कल हमने चर्चा करी थी भारत डायनेमिक्स की, जिसको मिला है अस्त्र मिसाइल के लिए 3000 करोड़ का प्रोजेक्ट। अब आप देखिए, भारत डायनेमिक्स जो कि रक्षा क्षेत्र में निवेश का एक सुनहरा मौका था, उसने पिछले 5 दिनों में दिया है 15% का रिटर्न। 5 दिनों में 15% का मुनाफा खड़ा कर दिया है भारत डायनेमिक्स ने। चलिए, यह मौका तो आपके हाथों से निकल गया, लेकिन दोस्तों इसी तरह के अनेक सुनहरे मौके चारों ओर खड़े हुए हैं। यदि आप उन्हें पहचान कर पकड़ना चाहते हैं तो सीख लीजिए टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की कलाएं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है लिंक, उस पर क्लिक करके आप आत्मनिर्भर इन्वेस्टर कोर्स जितने जल्दी ज्वाइन करेंगे उतने ज्यादा फायदे में रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जय श्री राम।